दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं मनाली और मनाली की खूबसूरत वादियाँ। मनाली घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर फरवरी के बीच में है। यह मौसम सर्दियों का होता है जब पूरा शहर बर्फबारी से ढका होता है। हनीमून मनाने वालों के लिए भी यह आदर्श समय है। ट्रैकर्स के लिए मार्च और फरवरी के बीच का समय आदर्श है क्योंकि सर्दियों में कुछ ऊँचे ट्रैक पॉइंट दुर्गम हो जाते हैं। यदि आप मनाली घूमना चाहते हो तो 3-4 दिन की छुट्टी लेके आ जाइए। मनाली का ऑफ सीजन आमतौर पर नए साल के जश्न के बाद शुरू होता है, यानी 10 जनवरी से 21 मार्च तक और जुलाई अगस्त से नवंबर तक। मनाली के सब लगभग सभी होटल और रिसोर्ट शानदार ऑफ सीजन छूट प्रदान करते हैं। जनवरी में मनाली का तापमान -6 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। मनाली में यह साल का सबसे ठंडा महीना होता है। मनाली में आपको किराए पर बाइक या स्कूटर मिल सकती है और कीमत वाहन के निर्माण और मॉडल पर निर्भर होता है। यदि आपको पहाड़ी पर ड्राइविंग का अनुभव है तो अपनी कार ले, अन्यथा टैक्सी किराए पर ले लें। हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों की हस्तशिल्प वस्तुएं खरीदारी के लिए मनाली प्रसिद्ध है। मनाली अपने ऊनी स्वेटर, शॉल और लकड़ी के हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। मनाली में पैराग्लाइडिंग की लागत 1,000 रुपये से 4,000 रुपये के बीच में है। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग का कोर्स भी कर सकते हैं जो 10,000 रुपये से शुरू होता है। कोर्स में आमतौर पर 7 दिन लगते हैं। मनाली में इग्लू स्टे होटल की कीमत 6,000 से 10,000 रुपये होती है। यहाँ कैंप की कीमत 400 रुपये से 8,500 रुपये तक होती है। आपके मन में सवाल आया होगा मनाली जाए कैसे, रुको बताता हूँ मैं। मनाली का निकटतम रेलवे स्टेशन अम्बाला कैंटिंग है जो 200 किलोमीटर दूर है। अम्बाला कैंटिंग दिल्ली अमृतसर मार्ग पर है। दूसरा विकल्प चंडीगढ़ के लिए ट्रेन लेना है जो 250 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप मनाली तक बस से यात्रा कर सकते हैं। मनाली में हम हिडिंबा मंदिर, वो सुंदर रोहतांग दर्रा और बर्फ से लदी सोलंग आदि देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।